हजार एकड़ जमीन को जो है वहां शादी खाने में तब्दील कर सकते ना, हजार गज है शादी खाने में तब्दील कर सकते उसको आप, यहाँ वहां बनाने की क्या जरूरत है। और जो है मैं समझ रहा हूँ ये शादी खाने के नाम पे धोखा है, कम्युनिटी हॉल हो सकता है, म्यूनसिपल रिकॉर्ड से आके आप देखिए, मैं मेरे तजुर्बे से बता रहा हूँ, मैं रेवन्यू का आदमी हूँ, गलत नहीं हो सकता मैं, वहाँ शादी खाना बोल रहे होंगे रिकॉर्ड में जो है कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी हॉल जब वहाँ है हर किसी को हक है, वहाँ हिंदू को मुसलमान को सिख को ईसाई को, तो सबको लाके बैठाएंगे क्या वहाँ? ये बात गलत हो रही है। मेरी जो है तमाम मुसलमानों से भी रिक्वेस्ट है, मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट है, ये जो मामला अब शादी खाने का है, ये जो मामला है शादी खाने का, वो जो वहाँ उठ रहा है उसको फील्ड फॉर खत्म कर दें, वो 1 करोड़ की लागत से जो बनाना होता है वो पैसा इधर डाइवर्ट करें आप, शादी आपके पेट्रोल पंप के बाजू जो जमीन है उसमें डाइवर्ट करें, उसको बनाइए, वहाँ बनाना क्या जरूरी है, वहाँ मत बनाइए, वो नहीं रहता शादी खाना, कम्युनिटी हॉल रहता बराबर, कम्युनिटी हॉल होने के बाद सबके लिए इस्तेमाल होता हो, वो गलत बात है, कम्युनिटी हॉल भी वहाँ नहीं बनना चाहिए। शादी खाना तो असल बनता ही नहीं है जी, कुछ लाइसेंस नहीं है उसमें, कोई कानून नहीं है बनाने के वास्ते, तो ये जो काम हो रहा है फिर से मेरी जो है मिनिस्टर साहब से जो है फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे किसी भी मामले में आप जो है आप इंटरफियर होना चाहते हैं तो शहर के बड़े लोग कौन है मुसलमान, उन सबको बुलाइए, उन सब से बात कीजिए, उनसे मशवरा लेके आप काम कीजिए, ये बात गलत है। फिर से एक बार जो है आई एम वंस अगेन रिक्वेस्टिंग अवर मिनिस्टर नॉट टू इन्वॉल्व।